ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बीसीडी नंबर 570, क्लेरिफाइड ऑन 10/12/2006 एट बैंगलोर कर्नाटक। ओम शांति। आज की अभ्यर्थवाणी है, तीस ग्यारह 2006। टुडेज अभ्यर्थवाणी इज डेटेड 30/11/2006। हेडिंग दिया है, द हेडिंग गिवन इज ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैं पन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो। बर्न द टेल ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ आई थ्रू ज्वालामुखी दैट इज वोल्केनिक तपस्या एंड बिकम इक्वल टू बाप दादा। तब समाप्ति समीप आवेगी। देन द कम्प्लीशन विल कम क्लोज। आज अकूट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। टुडे बाप दादा द मास्टर ऑफ द इनएग्जॉस्टेबल एंड इम्पेरिशेबल ट्रेजर्स इज सीइंग द अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ हिज कंप्लीट चिल्ड्रन एवरीवेयर। जमा का खाता देख रहे हैं किसका? हुज अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन इज ही सीइंग? कौन से बच्चों का? ऑफ विच चिल्ड्रन? जो अपने चारों ओर के बच्चे हैं। हिज चिल्ड्रन फ्रॉम एवरीवेयर। तीन प्रकार के खाते देख रहे हैं। He's seeing three types of accounts. एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। First is the account of accumulation of the elevated fruits through your पुरुषार्थ। किसी का सहयोग नहीं, किसी की कृपा नहीं। Not through anyone's support or mercy. अपने पुरुषार्थ द्वारा। थ्रू योर ओन पुरुषार्थ। अपने पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध जमा किया जाता है वो श्रेष्ठ ही होता है। द फ्रूट दैट यू अक्यूमुलेट थ्रू योर पुरुषार्थ इज डेफिनेटली एलिवेटेड। तो ऐसे जमा का खाता। सो द अकाउंट ऑफ सच अक्यूमुलेशन। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। सेकेंड इज टू ऑलवेज स्टे कंटेंट एंड मेक अदर्स कंटेंट। ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता जमा होता है। दिस इज द अकाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट इज बीइंग अक्यूमुलेटेड थ्रू कंटेंटमेंट। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा। थर्ड इज टू अक्यूमुलेट इन द अकाउंट ऑफ मेरिट्स थ्रू द अनलिमिटेड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय योर माइंड स्पीच डीड्स रिलेशनशिप्स एंड कॉन्टैक्ट्स। बाप दादा देख रहे हैं। तीन प्रकार के जमा का खाता अपने चारों ओर के बच्चों का। बाप दादा इज सीइंग थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन एवरीवेयर। अभी बच्चों से पूछा। नाउ ही आस्क्ड द चिल्ड्रन। आप सभी भी अपने इन तीन खातों को चेक करते रहते हो? डू ऑल ऑफ यू कीप चेकिंग दिस थ्री अकाउंट्स ऑफ योर्स?
करते ही हो। इंडीड यू डू दैट। ये तीनों खाते जमा कितने हैं? हाउ मच हैव यू अक्यूमुलेटेड इन देम? जमा है वा नहीं है? हैव यू अक्यूमुलेटेड इन देम और नॉट? और जमा है तो उसकी निशानी क्या है? एंड इफ यू हैव अक्यूमुलेटेड इन देम व्हाट इज इट्स इंडिकेशन? इसकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप। इट्स इंडिकेशन इज यू विल ऑलवेज बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंटेंटमेंट फॉर अदर्स एज वेल एज द सेल्फ। सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। यू विल हैव गुड फीलिंग्स एंड गुड विशेस फॉर एवरीवन। और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। इन एडिशन यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस योर सेल्फ टू बी इन द स्टेज ऑफ हैप्पीनेस एंड बीइंग फॉर्चुनेट। तो चेक करो। सो चेक। दोनों खातों की निशानियां स्वयं में अनुभव होती है। डू यू फाइंड द इंडिकेशंस ऑफ बोथ द ट्रेजर्स विद इन यू? इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भव निर्माण भव और निस्वार्थ भव। The key to accumulate all these treasures is to become an instrument to be humble and selfless. Check करते जाओ। Continue to check it. और चाबी का नंबर पता है? And do you know the number of the key? चाबी का नंबर है 3 बिंदी। The number of the key is 3 points. 3 डॉट। 3 डॉट्स। एक आत्मा की बिंदी दूसरा पाप की बिंदी तीसरा ड्रामा की बिंदी। फर्स्ट इज द डॉट ऑफ द सोल सेकेंड इज द डॉट ऑफ द फादर एंड थर्ड इज द डॉट ऑफ ड्रामा। ड्रामा का फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप ऑफ ड्रामा। चाबी तो है ना? यू डू हैव द की डोंट यू? आप सभी के पास है। डू ऑल ऑफ यू हैव इट? खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना? यू ओपन योर ट्रेजर एंड कंटिन्यू टू चेक देम डोंट यू? इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। द मेथड टू इंक्रीज ऑल ऑफ दिस ट्रेजर्स इज डिटर्मिनेशन। दृढ़ता होगी If you have determination, तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा। You won't have a thought while performing any action. कि होगा वा नहीं होगा। Will it happen or not? दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है। The stage of determination is, it has already happened. बना ही पड़ा है। It has already become that. बनेगा जमा होगा नहीं होगा नहीं। नॉट दैट इट विल बिकम दैट और इट विल बी अक्यूमुलेटेड और इट वोंट हैपन नो। करते तो है होना तो चाहिए। ये तो की भी नहीं। आई सर्टनली डू दिस इट शुड डेफिनेटली हैपन नॉट इवन इट शुड। दृढ़ता का ताला निश्चय बुद्धि निश्चित अनुभव कराबेगा। द लॉक ऑफ डिटर्मिनेशन विल मेक यू फील एज द वन विद एन इंटेलेक्ट दैट हैज फेथ एंड केयर फ्री। बाप दादा ने पहले भी सुनाया। बाप दादा हैज टोल्ड यू अर्लियर टू। अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का तार खजानों का खाता जमा करना है तो मनमना भव के मंत्र को यंत्र बना दो।
जिससे सदा बाप के साथ और बाप के पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। इफ यू वॉन्ट टू अक्यूमुलेट मैक्सिमम इन द अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रेजर्स, मेक द मंत्र ऑफ मन मना भव इन टू योर टूल, दैट इज यंत्र, थ्रू विच यू विल ऑलवेज फील योर सेल्फ टू बी इन द फादर्स कंपनी एंड क्लोज टू हिम नेचुरली। पास होना ही है। यू शुड डेफिनेटली पास इन इट। तीन रूप में पास है। द वर्ड पास हैज थ्री मीनिंग्स। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीती सो पास हुआ, और तीसरा है पास विदान होना। वन इज टू स्टे क्लोज टू हिम, द सेकेंड इज वॉट एवर हैज हैपेंड हैज पास्ड, एंड द थर्ड इज टू पास विद ऑनर। अगर तीनों बातों में पास है तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। इफ यू पास इन ऑल दीज थ्री थिंग्स, ऑल ऑफ यू आर फुल्ली पास टू बिकम रॉयल ऑफिसर्स। तो फुल पास ले ली है व लेनी है। सो हैव यू क्लेम्ड द फुल पास और डू यू हैव टू डू इट? जिन्होंने फुल पास ले ली है वो हाथ उठाओ। Those who have claimed the full pass, raise your hand. लेनी नहीं है, ले ली है। Not that you have to claim it, but you have already claimed it. पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाते। Those sitting in the first line aren't raising their hand. लेनी है आपको। Do you have to claim it? सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए। You think that you haven't become complete yet. This is the reason. लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही। But those with a faithful intellect are definitely victorious. विजयी है या होना है? Are you victorious or do you have to become that? किससे पूछा? Whom did he ask? हैं? पहली लाइन में जो बैठे हैं उनसे पूछा। He asked those sitting in the first line. कौन बैठे होते हैं पहली लाइन में? Who sit in the first line? दीदी दादी दादा हैं। दीदीज दादीज एंड दादाज। तो पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाते हैं। So those sitting in the first line don't raise their hand. सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। They think that they haven't become complete yet. इसलिए नहीं उठाते। This is why they don't raise their hand. अभी तो समय की पुकार है और भक्तों की पुकार है। Now there is the call of time and the call of devotees. अपने मन की आवाज क्या आ रही है? What is the sound of your mind? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। I definitely have to become complete and equal to him now. अथवा ये सोचते हैं कि बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। Or do you think that you will become that, you will think about it, or you will do it? अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना। Now, according to the time, you should have the lesson of being ever ready firm at every moment. जब मेरा बाबा कहा। When you said, my baba. प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं। When you believe that he is lovely baba, sweet baba. तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। It isn't difficult to become equal to the one who is dear to you. बाप दादा ने देखा है। बाप दादा has seen कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है। वो सबके पास प्रसिद्ध शब्द है और सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। The thing that becomes an obstacle time to time in becoming equal to him
इट इज फेमस एंड वेल नोन टू एवरीवन एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। वो बाधा डालने वाला शब्द कौन सा है? सो विच इज द वर्ड दैट क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल? मैपन, द कॉन्शियसनेस ऑफ आई। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है। दिस इज वाई बाप दादा हैज टोल्ड यू बिफोर हैंड टू। जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, बोलो मैं आत्मन। Whenever you say the word I, don't just say I the soul. ये जुड़वा शब्द बोलो। Say the words together. So मैं कभी अभिमान ले आता, पार्टी कॉन्शियस में ले आता। आत्मिक स्थिति में नहीं लाता। So the word I brings ego and body consciousness sometimes. It doesn't stabilize you in the soul conscious stage. तो आत्मा वाला मैं। So have the consciousness of I the soul. नहीं तो कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है, कभी दिल से ग्रस्त बनाता है। अदरवाइज इट समटाइम्स ब्रिंग्स ईगो द फीलिंग ऑफ बीइंग इंसल्टेड एंड इट समटाइम्स मेक्स यू डिसहार्टेंड। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। दिस इज वाई डोंट लेट द आई ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस कम इवन इन योर ड्रीम्स। बाप दादा ने देखा है, बाप दादा हैज सीन। इसने एक ही सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर पास इन द सब्जेक्ट ऑफ लव। आप सभी को किसने यहाँ लाया? हु हैज ब्रॉट ऑल ऑफ यू हियर? सभी, चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में आए हो, बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा की स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे हो। नो मैटर वेदर ऑल ऑफ यू हैव कम हियर बाय प्लेन, ट्रेन और बाय बस, यू हैव एक्चुअली अराइव्ड हियर इन द प्लेन ऑफ बाप दादाज लव। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है तो अब ये कमाल करो। सो जस्ट एज यू आर पास इन द सब्जेक्ट ऑफ लव, नाउ परफॉर्म अ वंडर। समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विदानर कर होकर के दिखाओ। सेट एन एग्जाम्पल बाय बिकमिंग पास विद ऑनर इन द सब्जेक्ट ऑफ बिकमिंग इक्वल टू। 30/11/2006 की व्यक्तवाणी का दूसरा पेज, सेकेंड पेज ऑफ द व्यक्तवाणी डेटेड 30/11/2006। ये पास विद ऑनर होना पसंद है? डू यू लाइक टू बिकम पास विद ऑनर? समान बनना पसंद है? डू यू लाइक टू बिकम इक्वल टू हिम? पसंद तो है। यू डू लाइक इट, लेकिन ऐसा बनने में थोड़ा मुश्किल है। बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिकम दैट। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ जाएगी। इफ यू बिकम इक्वल टू हिम कम्प्लीशन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। हाउएवर द प्रॉमिस दैट यू मेक इन योर हार्ट समटाइम्स, आई हैव टू डेफिनेटली बिकम इक्वल टू हिम, इट बिकम्स अ लिटिल वीक एंड द टेस्ट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। चाहते सभी है लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल। और एक होती है सिर्फ चाहना, चाहना बन के रह जाती है। एवरीवन डिजायर्स दिस बट टू डिजायर इज वन थिंग, वन इज टू डू इट इन प्रैक्टिस एंड द अदर थिंग इज दैट द डिजायर जस्ट रिमेन्स अ डिजायर। तो चाहना एक होती है और प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। सो यू डिजायर वन थिंग
एंड समथिंग एल्स कम्स इनटू प्रैक्टिस। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। दिस इज बिकॉज यू मेक अ प्रॉमिस बट इट लैक्स डिटर्मिनेशन। समानता दूर हो जाती है। इक्वालिटी बिकम्स डिस्टेंट। समस्या प्रबल हो जाती है। एंड द प्रॉब्लम बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो अब क्या करोगे? सो व्हाट विल यू डू नाउ? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। बाप दादा इज वेरी अम्यूज्ड अबाउट वन थिंग। वो कौन सी बात है? व्हाट इज इट? है महावीर, यू आर डेफिनेटली ग्रेट वॉरियर्स। लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर कहा है, लेकिन उनको पूंछ भी दिखाई। बट जस्ट एज इन द स्क्रिप्चर्स हनुमान हैज बीन कॉल्ड अ ग्रेट वॉरियर, येट ही हैज बीन शोन टू हैव अ टेल। ये पूंछ दिखाया है मैपन का। दिस इज द टेल ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ आई विच हैज बीन शोन। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे, अंटिल द ग्रेट वॉरियर्स बर्न दिस टेल, तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया की भी समाप्ति नहीं होगी। लंका मीनिंग द ओल्ड वर्ल्ड वोंट एंड ईदर। तो अभी इस मैपन की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आवेगी। सो नाउ बर्न दिस आई द टेल ऑफ आई, इट इज ओनली देन दैट कम्प्लीशन विल कम क्लोज। और जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या। इन ऑर्डर टू बर्न इट ज्वालामुखी तपस्या इज रिक्वायर्ड। साधारण याद से काम नहीं चलेगा। ऑर्डिनरी रिमेम्बरेंस वोंट वर्क। ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। ज्वालामुखी रिमेम्बरेंस इज रिक्वायर्ड। इसीलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है। दिस इज वाई देयर इज द यादगार ऑफ द गॉडेस ज्वाला। कैसी याद? व्हाट काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस? शक्तिशाली याद। पावरफुल रिमेम्बरेंस। तो सुना क्या करना है? सो डिड यू हियर व्हाट यू हैव टू डू? अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है और समाप्ति को समीप लाना ही है। नाउ यू शुड हैव दिस आर्डेंट डिजायर इन योर माइंड, I have to become equal and I have to bring completion close. आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है। You will say that the confluence age is very good. तो समाप्ति क्यों हो? So why should it end? लेकिन आप बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हो। However, you are merciful, kind, compassionate souls like the father. तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो। सो ओ द मर्सीफुल सोल्स हैव मर्सी ऑन दोस सोरोफुल एंड डिवोटी सोल्स ऑफ टुडे। मर्सीफुल बनो। बिकम मर्सीफुल। दुख बढ़ता जा रहा है। सोरो इज इंक्रीजिंग। तो दुखियों पर रहम कर, उन्हों को मुक्ति धाम में भेजो। So have mercy on those who are sorrowful and send them to the abode of liberation. सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। Don't just do the service through speech, but there is the need to do service through mind and speech simultaneously. एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। बोथ ऑफ देम शुड हैपन एट द सेम टाइम। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो। डोंट जस्ट थिंक दैट यू शुड गेट अ चांस टू डू सर्विस। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। व्हाइल वॉकिंग एंड मूविंग अलोंग Continue to give the father's introduction through your face and conduct. आपका चेहरा ही बाप का परिचय दे। Your face itself should give the father's introduction. आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। Your conduct should continue to reveal the father.
तो ऐसे सदा सेवाधारी भव। सो मे यू बी सच कॉन्स्टेंट सेवाधारी मीनिंग सर्विसेबल वंस। अच्छा अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो। ऑल ऑफ यू आर फिजिकली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बाप दादा। लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में है। बट द चिल्ड्रन एवरीवेयर आर इन हिज हार्ट इन द सटल फॉर्म। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दे आर सीइंग एज वेल एज लिसनिंग टू हिम। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेश द्वारा याद प्यार भेजी। Many children from this land and abroad have sent their love and remembrance through emails, letters and messages. सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिलती है। बाप दादा receives everyone's remembrance by their name. और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे। वाह बच्चे वाह। And seeing all the children in front of him, बाप दादा इज सिंगिंग द सॉन्ग इन हिज हार्ट, वाह चिल्ड्रन वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। एवरीवन रिमेम्बर्स हिम इन द इमर्ज्ड फॉर्म एट दिस टाइम। सात संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी। एवरीवन सेज टू द मैसेंजर इंडिविजुअली, So and so has sent their remembrance. बाप कहते हैं। The father says. बाप के पास तो जब संकल्प करते हो, साधन द्वारा पीछे मिलता है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। As soon as you have the thought, although the message is received through the instrument later, the thought of love arrives before the message through the instrument. ठीक है ना? Is it fine? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा। Many of you have received his remembrance, haven't you? अच्छा। अच्छा पहले हाथ उठाओ। अच्छा, first of all, raise your hand. जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। Those who have come for the first time. Raise your hand. ये सेवा में भी पहली बारी आए हैं। All of you have come here for the first time for service too. अच्छा अच्छा, बाप दादा कहते हैं भले पधारे। बाप दादा says welcome. आपके आने की मौसम है। It is the season for you to come. इंदौर जोन टू इंदौर जोन, वहाँ की आरती बहन के सेवाधारी आए। द सर्विसेबल स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टर आरती देयर हैव कम। सबके हाथ में मेरा बाबा, ये दिल के शेप में सिंबल है। Everyone has a heart-shaped symbol cut out with my Baba written on it. हाथ तो बहुत अच्छे हिलाए रहे। You are waving your hand very well. लेकिन दिल को भी हिलाना। But you should also wave your heart. सिर्फ याद रखना, भूलना नहीं। Just always remember it. Never forget it. क्या नहीं बोलना? What shouldn't you forget? मेरा बाबा। My बाबा। अच्छा चांस लिया। You have taken a good chance. बाप दादा सदा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पद्म गुना मदद देता है। बाप दादा always says that he gives multi-million fold help to those who show courage. तो हिम्मत रखी है तो अच्छा किया है। So, if you have shown courage, you have done well. Indoor zone hai. It is the indoor zone.
अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति स्थान है। इट इज गुड। द इंदौर जोन इज द लास्ट रिमेम्बरेंस प्लेस ऑफ द कॉर्पोरियल बाबा। अच्छा है। इट इज गुड। सभी बहुत खुश हो रहे हैं ना? ऑल ऑफ यू आर बिकमिंग वेरी हैप्पी aren't यू। गोल्डन लॉटरी मिली है। यू हैव वन अ गोल्डन लॉटरी। जॉन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है। When a zone gets the turn to do service, all the serviceable children get a leave. और वैसे संख्या में मिलती है, इतने लाओ और अभी देखो इतने हैं। Otherwise, you are given a quota for the number to bring. Now look, there are so many. ये भी जॉन जॉन को अच्छा चांस है ना? It is also a good chance for each zone, isn't it? जितने लाने हो उतने लाओ। Bring as many as you want. तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया? So, all of you have accumulated so much in your account of merits in a short time. यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना। To do the service of यज्ञ with your heart means to increase your account of merits at a fast speed. क्योंकि संकल्प समय और शरीर तीनों सफल किया। It is because you used all three, your thoughts, time and body in a worthwhile way. संकल्प भी चलेगा यज्ञ सेवा का। You will have thought for the service of the yajna. समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ। You invested the time in doing the service of the yajna. और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। And you also offered your body for it. किसने? Who? है? किसकी बात हो रही है? Whom is he talking about? इंदौर जोन की। इंदौर जोन। कहाँ की सेवा की बात हो रही है? It is about the service of which place? है? कहाँ? Where? यज्ञ में कहाँ? Student, in the यज्ञ। Where in the यज्ञ? स्थान है कोई? Is there any place? Mount Abu में। Student, Mount Abu. Mount Abu. कोई भी जौन Mount Abu में कितने दिन के लिए जाता है? For how many days do the people of any zone go there? हैं? एक सप्ताह के लिए जाता है। They go there for a week. अभी तो और ही तीन दिन के लिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह। Well, they go there for 3 days now, or for a week at the most. तो एक सप्ताह में समय और शरीर यज्ञ सेवा में अर्पण हो जाता है क्या? So, is time and body offered in the service of the yajna within a week? है? हो जाता है। Is it? एक सप्ताह के लिए अर्पण हो सकता है। It can be offered for a week. बाकी? As for the rest. शरीर अर्पण हो जाए और सारा समय अर्पण हो जाए, ये हद के इंदौर जोन की बात है या बेहद के इंदौर जोन की बात है? द बॉडी एंड द होल टाइम शुड बी ऑफर्ड। इज इट अबाउट द फिजिकल इंदौर जोन और द अनलिमिटेड इंदौर जोन? इंदौर। इंदौर क्या? वॉट? कहाँ रहने वाले? वेयर डू दे रिसाइड? डोर के अंदर रहने वाले। दे रिसाइड इनडोर्स। तथाकथित ब्राह्मणों की तरह बाहर निकलने वाले नहीं? दे डोंट गो आउट लाइक द सो कॉल्ड ब्राह्मण्स। कैसे? हाउ आर दे?
इंडोर जोन के अंदर रहने वाले, दे आर दोज हु स्टे इन द इंडोर जोन, और उनकी मुखिया कौन बताई, एंड हु इज सेड टू बी देयर हेड, आरती बहन, सिस्टर आरती। तो सेवा है या मेवा है? सो इज इट सर्विस और द फ्रूट ऑफ इट? सेवा नहीं है, खुशी का मेवा है। इट इज द सर्विस, रादर इट इज द फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस। प्रत्यक्ष फल किसी के पास या की सेवा करते उस समय कोई व्यर्थ संकल्प आया? द प्रैक्टिकल फ्रूट इज व्हाइल डूइंग द सर्विस ऑफ यज्ञ डिड एनीवन हैव एनी वेस्ट थॉट? सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? डिड एनीवन हैव अ वेस्ट थॉट व्हाइल डूइंग सर्विस? खुश रहे और खुशी बांटी। यू स्टेड हैप्पी एंड यू शेयर्ड योर हैप्पीनेस। ये प्रत्यक्ष फल मिला। यू रिसीव दिस फ्रूट इन प्रैक्टिस। 30/11/2006 की वाणी का तीसरा पेज। थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 30/11/2006। तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। सो द गोल्डन एक्सपीरियंस दैट यू हैड हियर कंटिन्यू टू इमर्ज एंड इंक्रीज इट देयर एज वेल। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे, व्हेनेवर यू हैव एनी थॉट ऑफ माया, तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। कम टू शांति वन ऑन द प्लेन ऑफ योर माइंड। मन का विमान तो है ना? यू हैव द प्लेन ऑफ योर माइंड, डोंट यू? सभी के पास मन का विमान है। ऑल ऑफ यू हैव द प्लेन ऑफ द माइंड। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। बाप दादा हैज गिवन एवरी ब्राह्मण द बर्थडे गिफ्ट ऑफ द प्लेन ऑफ एन एलिवेटेड माइंड। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यू डोंट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन इट। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस। टू स्टार्ट इट जस्ट से माय बाबा, दैट्स ऑल। चलाना आता है ना विमान को? यू नो हाउ टू फ्लाई द प्लेन, डोंट यू? तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। सो व्हेनेवर समथिंग हैपेंस जस्ट कम टू मधुबन। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। इन द पाथ ऑफ भक्ति दोज़ हू गो ऑन द पिलग्रिमेज ऑफ द फोर अबोड्स कंसिडर देमसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट। फोर अबोड्स, द फोर पिलग्रिमेज सेंटर्स लोकेटेड एट फोर डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। और मधुबन में भी चार धाम है। वेल यू हैव द फोर अबोड्स इन द मधुबन टू। तो चार धाम किए। सो हैव यू बीन टू द फोर अबोड्स? पांडव भवन में देखो चार धाम है। लुक देर आर फोर अबोड्स इन पांडव भवन। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना? Whoever comes here goes to पांडव भवन, don't they? एक है शांति स्तंभ महाधाम। First is the Tower of Peace, the greatest abode. दूसरा बाप दादा का कमरा। Second is बाप दादा's room. ये स्नेह का धाम। This is the abode of love. एक महाधाम, दूसरा स्नेह धाम। One is the greatest abode and the other is the abode of love. और तीसरी झोपड़ी। Third is the hut. स्नेह मिलन का धाम। The abode of affectionate meeting. और चौथा है history hall. And the fourth is the history hall. तो आप सभी ने चार धाम किए। So have all of you been to the four abodes?
तो महान भाग्यवान तो हो ही। एनीवेज यू आर वेरी फॉर्चुनेट। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। नाउ यू कैन रिमेम्बर एनी ऑफ दीज अबोड्स। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूढ़यान करने आ जाना। इफ यू समटाइम्स बिकम सैड कम टू द हट टू हैव अ स्पिरिचुअल चिट चैट। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। इफ यू नीड टू बिकम पावरफुल कम टू द टावर ऑफ पीस। और बेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो गए हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। एंड इफ यू हैव वेस्ट थॉट्स एट अ फास्ट स्पीड कम टू द हिस्ट्री हॉल। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। इफ द डिटरमाइंड थॉट टू बिकम इक्वल टू हिम अराइजेस कम टू बाप दादाज रूम। अच्छा है, इट इज गुड। सभी ने गोल्डन चांस लिया है। Everyone has taken the golden chance. लेकिन सदा वहाँ रहते भी golden chance लेते रहना। But even while always living there, continue to take the golden chance. अच्छा। अच्छा। हिम्मतवान अच्छे। You are very courageous. कैट ग्रुप। टू द कैट ग्रुप। दिलवाले बैठे हैं, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर के की। दोज हु हैव अ बिग हार्ट आर सिटिंग हियर। ऑल ऑफ यू कंडक्टेड अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस टुगेदर। अच्छा किया। यू डिड वेल। आपस में मीटिंग भी की और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए। All of you had a meeting amongst yourselves. Even the president desires this work should take place. तो जैसे उसकी इच्छा है, उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। As is his desire, continue to work with him together. और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। And relate the news of your program in the Brahmins meeting and take their advice. तो सब ब्राह्मणों की राय से और भी शक्ति बढ़ जाती है। It has more power through the advice of all Brahmins. बाकी कार्य अच्छा है। As for the rest, the task is good. करते चलो, फैलाते चलो। Continue to do it. Continue to spread it. और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। And continue to reveal the speciality of Bharat. मेहनत अच्छी कर रहे हो। You are working hard. प्रोग्राम भी अच्छा किया है। You also conducted a good program. और दिलवालों ने अपनी बड़ी दल दिखाई। And दिलवाले children showed their big heart. इस बात की मुबारक। Congratulations for that. अच्छा। अच्छा। डबल विदेशी भाई बहनों से। टू द डबल फॉरेनर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा है। इट इज गुड। हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को चार चांद लगा देता है। द अराइवल ऑफ डबल फॉरेनर्स एट एवरी टर्न हाइटन्स द ब्यूटी ऑफ दिस गैदरिंग। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग उत्साह आता है। Seeing the double foreigners, everyone has zeal and enthusiasm. सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं। All double foreigners are flying forward with double zeal and enthusiasm. चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। You aren't walking, you are flying. उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? Are you those who fly or those who walk? जो सदा उड़ता रहता है चलता नहीं है वो हाथ उठाओ। द वन हु ऑलवेज फ्लाइज नॉट वॉक्स रेज योर हैंड। अच्छा।
वैसे भी देखो विमान में उड़ते ही आना पड़ता है। अच्छा एनीवेज यू हैव टू कम हियर फ्लाइंग ऑन द प्लेन। तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही। सो यू डू हैव द प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइंग। वो है शरीर से उड़ने का अभ्यास। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइंग थ्रू द बॉडी। और ये है मन से उड़ने की बात है। एंड दिस इज फ्लाइंग थ्रू द माइंड। हिम्मत भी अच्छी रखी है। यू हैव शोड गुड करेज। बाप दादा ने देखा कहां कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया ना। लुक बाप दादा हैज फाउंड हिज चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स हैजंट ही। बहुत अच्छा है। इट इज वेरी गुड। डबल विदेशी है कहलाने में। यू आर कॉल्ड डबल फॉरेनर्स। कौन हु हैं? कहने के लिए डबल विदेशी हैं। यू आर डबल फॉरेनर्स फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। बट यू आर ओरिजिनली फ्रॉम भारत। ये कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव? हाउ इज इट पॉसिबल? और डबल विदेशियों को राज्य भी कहाँ करना है? एंड वेयर डू यू हैव टू रूल एज वेल? भारत में करना है। इन भारत। तो ओरिजिनल कहाँ के हुए? सो वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम? स्टूडेंट भारत। किनकी बात है? इट इज अबाउट हुम? एडवांस पार्टी। सारी एडवांस पार्टी की बात है। स्टूडेंट एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी इज इट अबाउट द एंटायर एडवांस पार्टी? लेकिन सेवार्थ पांच ही खंडों में पहुंच गए हो। हावेवर यू हैव रीच्ड फाइव लैंड्स मीनिंग कॉन्टिनेंट्स फॉर द सेक ऑफ सर्विस। टोटल खंड कितने हैं? हाउ मेनी लैंड्स आर देयर इन टोटल? सात महासागर हैं और महाद्वीप भी सात हैं। देयर आर सेवन ओशंस एज वेल एज सेवन कॉन्टिनेंट्स। उनमें दो तो हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है और बाकी पांच हैं। Among them, there are two continents where there is ice throughout the year. As for the rest, five lands are left. और पांचों ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। You are doing service very well with a lot of zeal and enthusiasm in different places in all the five lands. विघ्न विनाशक हो ना? You are destroyers of obstacles, aren't you? कोई भी विघ्न आवे। When any obstacle arises, घबराने वाले तो नहीं हो? You aren't going to be restless, are you? ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं। Do you think why is this happening? What is happening? No. जो भी होता है उसमें हमारी हिम्मत बढ़ाने का साधन है। Whatever happens is a means for you to increase your courage. घबराने का नहीं। You shouldn't become restless. उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। But it is a means to increase your zeal and enthusiasm. क्या? What? विघ्न आए समस्या आए वो हिम्मत बढ़ाने का साधन है। When an obstacle or a problem arises, it is a means to increase your courage. ऐसे पक्के हो ना? You are firm like this, aren't you? पक्के हो? Are you firm?
या थोड़ा थोड़ा कच्चे? और आर यू अ लिटिल वीक? नहीं नहीं, नो नो, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। द वर्ड वीक डजंट फील गुड। पक्के हैं? यू आर फर्म। पक्के रहेंगे? यू विल स्टे फर्म। और पक्के हो के साथ चलेंगे? एंड यू विल मूव अहेड बीइंग फर्म। किसके साथ? अलोंग विद होम। बाप दादा के साथ? विद बाप दादा। कितने निकलेंगे? जो बाप दादा के साथ है 84, नहीं तो 83 जन्मों में पक्के होके चलेंगे। हाउ मेनी विल इमर्ज हु फर्मली मूव अहेड अलोंग विद बाप दादा फॉर 83 बर्थ्स इफ नॉट 84 बर्थ्स? 8 निकलेंगे। स्टूडेंट्स 8, विल 8 ऑफ सच सोल्स इमर्ज? 8 ही पक्के विदेशी हैं। अच्छा, आर ओनली द 8 सोल्स फ्रॉम विदेशीज? अच्छा, दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा करके आई है। दादी जानकी हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बहुत याद दी। शी हैज सेंट लॉट्स ऑफ रिमेम्ब्रेंस। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं। बाप दादा हैज रिसीव्ड द मैसेजेस बाय ईमेल टू। और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। एंड ही सीज दैट नाउअडेज द बिग प्रोग्राम्स हैपन एज इफ दे हैव ऑलरेडी हैपेंड। सभी सीख गए हैं। ऑल ऑफ यू हैव लर्न्ड टू कंडक्ट देम। सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। यू हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग द फैसिलिटीज इनटू यूज फॉर सर्विस। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर वन दिखाई देता है। बाप दादा सीज ऑस्ट्रेलिया एज नंबर वन। नंबर वन एक होगा या पूरा ऑस्ट्रेलिया? विल ओनली वन सोल बी नंबर वन और विल द एंटायर ऑस्ट्रेलिया बी दैट? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों बोला? स्टूडेंट 1, Why was it said for Australia? जैसे बोला रामायण की सारी कहानी भारत के ऊपर है। Just like it was said, the entire story of Ramayana is based on Bharat. सिर्फ समझाने का फिर चाहिए। You should just have the intelligence to explain it. तो भारत यहाँ कोई इंडिविजुअल है या सारे भारत के लोगों के लिए बोला गया? सो डज भारत रिफर टू एन इंडिविजुअल हियर और वॉज इट सेड फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ भारत? स्टूडेंट्स एन इंडिविजुअल। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक आत्मा है। Similarly, there is one soul who represents Australia. जिसने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। Who took the plate of the gems of knowledge while sitting at home. वो नंबर वन बाप दादा को दिखाई देता है। बाप दादा finds him the number one. लेकिन अभी। But for now. लेकिन लग गया। But was mentioned. पहले पहले नंबर वन लिया यूके ने। The UK secured number one first. UK थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। The UK is moving ahead a bit. UK माना? United Kingdom. The UK means the United Kingdom. खास खास देश कौन से हैं? विच आर द स्पेशल कंट्रीज इन इट? देखो लंदन, बहुत लेन देन करता है। वन इज लंदन, इट डज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक।
लेकिन थोड़ा नंबर आगे जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। However, it is moving a little ahead of Australia. लेकिन भले यूके आगे जा रहा है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को नंबर वन होना ही है। Though the UK is going ahead, Australia has to become number one. UK भी नंबर दो नहीं होगा। The UK won't be number two either. वह भी नंबर वन ही होगा। It will also be number one. पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है। बाप दादा रिमेम्बर्स द वेरी ओल्ड चिल्ड्रन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद है माने पास्ट की बात है। ही रिमेम्बर्स देम, इट मींस दिस इज अबाउट द पास्ट। जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। Those who took the plate of the gems of knowledge while sitting at home. 30/11/2006 की अव्यक्तवाणि का चौथा पेज। Fourth page of the अव्यक्तवाणि dated 30/11/2006. और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम। And बाप दादा's beloved निर्मल आश्रम। आप लोग तो कहते हैं निर्मला दादी। You call her दादी निर्मला। दादी दीदी कहते हो ना? You address her as दादी और दीदी, don't you? लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। But from the very beginning, बाप दादा has given her the title निर्मल आश्रम। जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया। The ashram in which many souls have taken refuge. और बाप के बने हैं। And have become the fathers. बन रहे हैं। They are becoming his. और बनते जाएंगे। And they will continue to belong to him. निर्मल आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया। Many souls took refuge at निर्मल आश्रम. और आश्रम में सहारा नहीं लिया क्या? Haven't they taken refuge in other ashrams? और आश्रमों से बाप के नहीं बने क्या? Haven't they belonged to the father from the other ashrams? नहीं बन रहे हैं? Aren't they belonging to the father? और आगे नहीं बनते जाएंगे क्या? Won't they continue to become his in the future either? सिर्फ एक निर्मल आश्रम की ही बात क्यों बोली? Why was it mentioned only about the निर्मल आश्रम? तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद है। So, special remembrance to every child of Australia. ये सामने बैठे हैं। They are sitting in the front. ऑस्ट्रेलिया के हैं ना? You are from Australia, aren't you? ऑस्ट्रेलिया वाले उठो। Those from Australia, stand up. बहुत अच्छे। Very good. कितना अच्छा उमंग आ रहा है इन्हों को। You have such good zeal. विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। You are making lot of preparations for doing the service of the world. बाप दादा की मदद है। You have बाप दादा's help. और सफलता भी है ही। And you also have success. अच्छा? अच्छा। अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? What determined thought do you have now? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। Now, sit with the thought that success is your birthright. विजय हमारे गले की माला है। And victory is the garland around your neck. इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होकर के बैठो।
with this faith and spiritual elation, sit as an embodiment of experience. अच्छा अच्छा चारों ओर की फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड सर्व बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को और सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआएं वरदाता के वरदान और नमस्ते दादियों से टू ऑल द केयरफ्री एम्परर्स एवरीवेयर हु आर फ्री फ्रॉम वरी टू द चिल्ड्रन हु कॉन्स्टेंटली रिमेन स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ एन एम्परर ऑफ द लैंड विच इज फ्री फ्रॉम सोरो टू ऑल द रिचेस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड who are prosperous with all the treasures, to the children who are always in the flying stage with the wings of zeal and enthusiasm, to the children who are equal to Bab Dada and who always bring completion closer, Bab Dada's remembrance, love and good wishes from the heart, blessings of the giver of boons and namaste, to the dadis. Kitna pyar se sabhi dekh rahe hai. Everyone is seeing you so lovingly. ठीक हो जाएगी शी विल बिकम ऑल राइट ठीक है और ठीक ही होगी शी इज फाइन एंड शी विल बिकम ऑल राइट अच्छा अच्छा सभी खुश हो रहे हैं एवरीवन इज बिकमिंग हैप्पी खुश रहना ये सबसे बड़े से बड़े भाग्य के प्राप्ति की निशानी है टू स्टे हैप्पी इज द साइन ऑफ हैविंग अटेन्ड द ग्रेटेस्ट फॉर्चून खुश रहने वाला अपने चेहरे से अनेकों को खुशी का अनुभव कराते द वन हु स्टेज हैप्पी गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस टू मेनी थ्रू हिज फेस दादी जानकी ने विदेश का समाचार सुनाया दादी जानकी रिलेटेड द न्यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीज अभी तो सारा भारत आपके हाथ में आना है Now, the entire Bharat has to come into your control. Abhi kiske haath mein? In whose control is it now? Haath mein hai? In whose control? Janaki dadi se kaha, abhi to sara Bharat aapke haath mein aana hai. It was said to Dadi Janki that the entire Bharat has to come in your control now. Khud hi offer karenge aao. They themselves will offer to you to come. Kaun? Who? Bharat wale. The residents of Bharat. Abhi aapko thodi mehnat karni padti hai. Now you have to make a little effort. पर्चे आदि छपाने पड़ते हैं यू हैव टू प्रिंट लिफलेट्स एटसेट्रा अभी आप ही सब ऑफर करेंगे हाउएवर ऑल ऑफ देम विल कम टू ऑफर टू यू देमसेल्व्स बस अभी ये सीन रही हुई है कि सबके मुख से एक ही आवाज निकले हमारा बाबा आ गया दैट्स इट नाउ This scene is yet to come when just one voice emerges from everyone's mouth. Our Baba has come. यह भी समीप आ रहा है. That too is coming close. सिर्फ आप उड़ते रहो. Just continue to fly. तो उन्हों को फरिश्तों का साक्षात्कार होगा. So they will have the vision of angels. डॉक्टर अशोक मेहता से तो डॉक्टर अशोक मेहता अच्छे कार्य के निमित्त बन गए हो यू हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अ गुड टास्क अनेक आत्माओं का सहज ही परिचय होता रहता है
यू कम अक्रॉस मेनी सोल्स इजीली। और हॉस्पिटल का जो लाभ उठाया, पेशेंट को मधुबन तक पहुंचाया, ये सेवा बहुत अच्छी की। द एडवांटेज दैट यू टुक ऑफ द हॉस्पिटल एंड सेंट द पेशेंट टू द मधुबन, यू डिड दिस सर्विस वेरी वेल। पेशेंट को पेशेंस सिखला दिया। यू टॉट द पेशेंट द लेसन्स ऑफ पेशेंस। अच्छा हुआ ना? इट वॉज गुड, वॉज़न्ट इट? सभी का फायदा हुआ। एवरीवन वॉज बेनिफिटेड। अच्छा है। इट इज गुड। इस हॉस्पिटल से भी कई VIP संदेश लेने आएंगे। मेनी VIPs फ्रॉम द हॉस्पिटल विल कम टू टेक द मैसेज। उन्होंने कहा हेल्थ फेयर और डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। समवन सेड वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ हेल्थ फेयर एंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा है। इट इज गुड। हेल्थ का नाम सुन करके अट्रैक्शन होती है। लिसनिंग टू द वर्ड हेल्थ एवरीवन इज अट्रैक्टेड। जैसे यहाँ भी ग्लोबल हॉस्पिटल खुलने के बाद वायुमंडल चेंज हो गया ना? जस्ट लाइक आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल द एटमोस्फियर चेंज्ड हियर टू, डिडंट इट? ऐसे हेल्थ का नाम सुन के सब आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए। सिमिलरली आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड हेल्थ एवरीवन हैज बिकम वेरी हेल्थ कॉन्शियस नाउडेज। तो उनको लगता है डबल फायदा हो जाएगा। दे थिंक दैट दे विल हैव डबल बेनिफिट। ये अच्छी सेवा। दिस इज अ गुड सर्विस। बम्बई के प्रसिद्ध गीतकार समीर भाई। टू द फेमस सिंगर ऑफ बॉम्बे ब्रदर समीर। अभी डबल गीत गाना। सिंग डबल सॉन्ग्स नाउ। मुख से तो गाते हो बहुत अच्छा। यू डू सिंग वेरी वेल थ्रू योर माउथ। बनाते भी हो ना? यू डू कंपोज सॉन्ग्स एज वेल, डोंट यू? अच्छा बनाते हो। यू कंपोज गुड सॉन्ग्स। खराब नहीं बनाते हो। यू डोंट कंपोज बैड सॉन्ग्स। शब्द अच्छे हैं। द लिरिक्स आर गुड। ठीक बनाते हो। यू कंपोज गुड सॉन्ग्स। अभी मन से बाप के गुणों के भी गीत गाते रहे। नाउ कंटिन्यू टू सिंग द सॉन्ग्स ऑफ द फादर्स वर्च्यू इन योर हार्ट एज वेल। डबल गीत। सिंग डबल सॉन्ग्स। तो आपका चेहरा खुश मिजाज हो जाएगा। सो योर फेस विल बिकम चीयरफुल। आपके चेहरे से लगेगा कि कुछ पा लिया है। इट विल लुक एज इफ यू हैव फाउंड समथिंग। अच्छा है। इट इज गुड। टाइम पर पहुंच गए। यू हैव कम ऑन टाइम। नारायण दादा से। टू दादा नारायण। नारायण दादा बोले परदादी से मिलने आए थे। ही सेड दैट ही हैड कम टू मीट परदादी। परदादी अहमदाबाद हॉस्पिटल में है। शी इज इन अहमदाबाद हॉस्पिटल। वो भी ठीक हो रही है। शी इज ऑल्सो रिकवरिंग। बड़ी आयु है ना? शी हैज ग्रोन ओल्ड, हैजंट शी? बड़ी आयु के कारण थोड़ा टाइम लग जाता है। इट टेक्स सम टाइम बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। आप ठीक हैं? आर यू ऑल राइट? सेट हो? आर यू सेट? सब सेट है ना? एवरीवन इज सेट, aren't they? अच्छा, सभी को याद देना। अच्छा, गिव माय रिमेम्बरेंस टू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति।